हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। बिग बॉस के घर में लड़ाई झगड़े थमने का नाम ही नहीं ले रहे। शो के जय वीरू कहे जाने वाले सिद्धार्थ आसिम अब एक दूसरे के ही जानी दुश्मन बन चुके हैं। इनकी लड़ाई इस लेवल तक जा चुकी है कि ये दोनों गाली गलौज से धक्का मुक्की पर उतर आए हैं। इनके झगड़ों की वजह से सोशल मीडिया पर लोग दो ग्रुप में बंट गए। वहीं कुछ लोग लगातार आसिम रियाज को ट्रोल कर रहे हैं और उन्हें आतंकवादी बता रहे हैं। जो बात आसिम के भाई उमर रियाज को कतई पसंद नहीं आई, उन्होंने अपना गुस्सा सोशल मीडिया के जरिए निकाला है। दरअसल उमर रियाज ने साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बैक टू बैक कई ट्वीट्स करके हेटर्स को चिताया है और लिखा है, जो लोगों और फैन क्लब के लिए मेरे भाई आसिम के रिलीजन पर कमेंट कर रहे हैं और उसे आतंकवादी कह रहे हैं, उनके लिए ये आखिरी वार्निंग है। मैंने इसकी साइबर सेल में रिपोर्ट की है। अगर आप जेल में नहीं जाना चाहते हैं तो अपने ट्वीट डिलीट कर दीजिए। बता दें कि हाल ही में ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आसिम सिद्धार्थ को धमकी देते हुए दिखाई दे रहे थे और फिर सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें आने लगी थी। इस बात को लेकर भी आसिम के भाई ने ट्वीट करते हुए लिखा है, सिद्धार्थ फैन क्लब नफरत से भरे हुए ट्वीट बंद कर दो, ये कहीं नहीं जाने वाला। शांत हो जाओ, किसी के बारे में लिखने से पहले सोचो। किसी ने भी शो में गन शब्द नहीं सुना है, कुछ भी मत सोचो। वी लव आसिम रियाज। बताते चले कि सोशल मीडिया पर वो वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसकी वजह से आसिम को खूब ट्रोल भी किया जा रहा है। ये वीडियो देखने के बाद लोग दावा कर रहे हैं कि आसिम ने सिद्धार्थ को बंदूक से मारने की धमकी दी है। कहा जा रहा है कि बिग बॉस ने आसिम के थ्रू इस्तेमाल किए गए गन शब्द को म्यूट किया है। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब आसिम के भाई ने अपने गुस्से को जग जाहिर किया हो। इससे पहले हाल ही में उन्होंने सिड आसिम की लड़ाई पर सिड की क्लास लगाई थी और उन्हें चेतावनी दी थी। वैसे फिलहाल जो आसिम के भाई उमर ने कहा है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।